नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का गठन, जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश 1947 के पहले की स्थिति, 1956 के बाद की स्थिति, केंद्रीय प्रांत एवं बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश आदि की राजधानियां और उनसे जुड़े हुए व्यक्ति। साथ ही हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि मैप के साथ होंगे। इसमें हम देखेंगे 80+ MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 9 दिसंबर 1953, 19 दिसंबर 1953, 29 दिसंबर 1953 या फिर 31 दिसंबर 1953। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 29 दिसंबर 1953। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 29 दिसंबर 1953। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1956 को या फिर 1 नवंबर 1956 को। तो मध्य प्रदेश राज्य जो है उसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 नवंबर 1956। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वर्ष 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को 1947 में कितने भागों में विभाजित किया गया था? 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी, 4। 4 भागों में इसे विभाजित किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग जिसका गठन किया गया था 1953 में, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सैयद फजल अली, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, डॉक्टर के एम पणिक्कर या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे ऑप्शन ए, सैयद फजल अली, जबकि हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर जो हैं इसके सदस्य थे। ये 3 सदस्यीय आयोग था। पुनर्गठन के से पूर्व मध्य प्रदेश कितने भागों में विभाजित था? पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश जो विभाजित था वो था 3 भागों में। कौन कौन से भागों में? स्टेट ए, स्टेट बी, ये वाला जो हमारा भाग है ये है स्टेट बी और ये हमारा है स्टेट सी। तो मध्य प्रदेश जो विभाजित था वो 3 भागों में विभाजित था, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश के स्टेट ए की राजधानी क्या थी? मध्य प्रदेश स्टेट ए जो है वो है हमारा ये, और इसकी जो राजधानी थी वो थी हमारी नागपुर। स्टेट ए की राजधानी थी नागपुर। मध्य प्रदेश के स्टेट बी की राजधानी कौन सी थी? ग्वालियर, इंदौर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट बी है वह है हमारा ये वाला क्षेत्र, और इस क्षेत्र में जो इसकी राजधानी थी वो थी इंदौर और ग्वालियर। 6 महीने के लिए इंदौर को राजधानी बनाया गया था और 6 महीने के लिए ग्वालियर को। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, ग्वालियर और इंदौर दोनों ही स्टेट बी की राजधानी थी। मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया था? मध्य भारत का जो क्षेत्र है वो ये हमारा था, और इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो हमारी थी इंदौर। इंदौर को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था और ग्वालियर को शीतकालीन राजधानी बनाया था 6-6 महीने के लिए। तो मध्य भारत की जो शीतकालीन राजधानी थी वो अभी हमने देखा कि वो थी हमारी ग्वालियर। ग्वालियर हमारी शीतकालीन राजधानी थी और ग्रीष्मकालीन थी इंदौर। समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल स्टेट पृथक राज्य के रूप में किस पार्ट का हिस्सा था? स्टेट ए का, स्टेट बी का, स्टेट सी का या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ये स्टेट ए है, स्टेट बी है और स्टेट सी है, और ये हमारा भोपाल क्षेत्र है। तो स्टेट जो हमारा सी है उसी का पार्ट था भोपाल। तो भोपाल जो है वो स्टेट सी का पार्ट था। अगला प्रश्न है, भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? पंडित रविशंकर को, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल राज्य का जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे हमारे शंकर दयाल जी शर्मा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। महाकौशल का क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस स्टेट का हिस्सा था? महाकौशल का क्षेत्र जो है वो किस स्टेट के हिस्सा था? स्टेट ए का, स्टेट बी का, स्टेट सी का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा स्टेट ए का,
स्टेट ए का महाकौशल हिस्सा था जो कि जबलपुर क्षेत्र है। सेंट्रल प्रोविनेंस एवं बरार की राजधानी कौन सी थी? भोपाल, रीवा, नागपुर या ग्वालियर? तो ये हमारा सेंट्रल प्रोविजन नेंस एंड बरार है, तो इसकी जो राजधानी हमारी थी वो थी नागपुर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, इसकी जो राजधानी है वो है नागपुर। 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो उस समय जो राजधानी बनाई गई थी वो थी हमारी नागपुर। 1 नवंबर 1956 के पहले पहले हमारी राजधानी, इसके पहले जो 1 नवंबर 1956 था उससे पहले जो हमारी राजधानी थी वो थी नागपुर। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ने किस आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की थी? जनसंख्या के आधार पर, भाषाई आधार पर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 था उसने जो राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की थी वो की थी भाषाई के आधार पर, भाषा के आधार पर की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भाषा के आधार पर। और भाषा के आधार पर जो हमारा पहला राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। मध्य भारत एवं बरार का प्रथम मुख्यमंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? मध्य भारत एवं बरार का जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे हमारे एलपी खरे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 4 जुलाई 1937 को मध्य प्रांत एवं बरार के गठित मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सा मंत्री पद ग्रहण किया था? मुख्यमंत्री का, शिक्षा मंत्री का, वित्त मंत्री का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षा मंत्री। 4 जुलाई 1937 को शिक्षा मंत्री पद को पंडित रविशंकर शुक्ल ने ग्रहण किया था, तो इसका जो आंसर है वो है शिक्षा मंत्री। मध्य भारत एवं मध्य प्रांत एवं बरार के गठित मंत्रिमंडल में 29 जुलाई 1937 को, 4 जुलाई के बाद 29 जुलाई 1937 को मध्य भारत एवं बरार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। किसे? घनश्याम सिंह गुप्त को, पंडित रविशंकर शुक्ल को, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को या फिर एलपी खरे को? तो 29 जुलाई को जो बनाया गया था वो बनाया गया था पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, हमारे मध्य भारत एवं बरार के मुख्यमंत्री। 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश में कितनी देसी रियासतें थी? 41, 51, 61 या 71? तो 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय जो मध्य प्रदेश में देसी रियासतों की संख्या थी वो थी 61। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 61 देसी रियासतें मध्य प्रदेश में उस समय थी स्वतंत्रता के दिन। 1 नवंबर 1956 को कितनी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था? अब 15 अगस्त 1947 को हमारे पास 61 रियासतें थी, लेकिन 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश बना था उसमें कितनी रियासतें मिलाई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 79, जो कि आसपास के क्षेत्रों से भी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश में जो रियासत इस समय है वो है मकड़ई, जो कि हरदा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पंडित रविशंकर शुक्ल ने दूसरी बार कब मध्य भारत एवं बरार का मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? 29 जुलाई 1937, 27 अप्रैल 1946, 15 अगस्त 1947 या फिर 1 नवंबर 1956? तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने जो दूसरी बार ग्रहण किया था मुख्यमंत्री का पद वो किया था 27 अप्रैल 1946 को, तो इसका जो सही आंसर है वो है 27 अप्रैल 1946, ऑप्शन बी। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस नगर का नाम चंद्रशेखर आजाद नगर घोषित किया गया है? धार का, अलीराजपुर का, झाबुआ का या बावरा का? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बावरा, जो कि हमारे देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर घोषित किया गया है। विंध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? विंध्य प्रदेश हमारा जो है उसकी राजधानी कौन सी थी? नागपुर, रीवा, ग्वालियर या इंदौर? तो नागपुर हमारा पार्ट ए की राजधानी थी, पार्ट बी की राजधानी हमारी 6-6 महीने के लिए ग्वालियर और इंदौर थी, और जो हमारा विंध्य प्रदेश है ये वाला क्षेत्र उसकी जो राजधानी हमारी थी वो थी रीवा, इसकी राजधानी थी रीवा, विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा।
जबलपुर संभाग का क्षेत्र निम्न में से किस नाम से जाना जाता था पहले? मालवा के नाम से, विंध्य प्रदेश के नाम से, महाकौशल के नाम से, या इनमें से कोई नहीं? तो जबलपुर संभाग का जो क्षेत्र है उसे हम पहले महाकौशल के नाम से जानते थे। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा महाकौशल। ये वाला क्षेत्र जो है महाकौशल के नाम से जाना जाता था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद मध्य भारत का गठन किया गया था। किस तारीख को किया गया था? 22 अप्रैल 1948 को, 22 अप्रैल 1949, 22 अप्रैल 1950 या 22 अप्रैल 1951? तो मध्य भारत का जो गठन किया गया था वो किया गया था 22 अप्रैल 1948 को। 1947 के बाद भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारत का गठन जो किया गया था वो किया गया था मध्य भारत का गठन 22 अप्रैल 1948। उन्नीस सौ छप्पन में गठन के समय मंदसौर जिले के किस भाग को राजस्थान में मिलाया गया था? क्योंकि 1956 में जो हमारा मध्य प्रदेश का गठन किया गया था वो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर किया गया था, जिसके तहत राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वो किया गया था भाषा के आधार पर, और उसी आधार पर मंदसौर जिले का जो भाग था सुनेल टप्पा उसे राजस्थान को दिया गया था। हमारी राजस्थान के कोटा जो तहसील है उससे हमारा मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ लगती थी, और इसी का जो सुनेल टप्पा था उसे राजस्थान को दिया गया था। और राजस्थान से जो हमारे क्षेत्र में लिया गया था वो था हमारा सिरोंज। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य भारत के राज्यपाल निम्न में से कौन थे? लीलाधर जोशी, तख्तमल जैन, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य भारत के राज्यपाल जो थे वो थे हमारे तख्तमल जैन। ऑप्शन बीस का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1956 में गठन के समय राजस्थान के कोटा जिले के किस भाग को मध्य प्रदेश के विदिशा में मिलाया था? सिरोंज, सुनेल टप्पा, अमरावती, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सिरोंज। सिरोंज को विदिशा जिले में मिलाया गया था। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश का जो 10वां संभाग है वो कौन सा संभाग बनाया गया? वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं ये देखिए, भोपाल, रीवा, होशंगाबाद या शहडोल? तो इसका जो सही आंसर है वो है शहडोल। ये हमारा शहडोल जो है ये 10वां संभाग बनाया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं जो हैं, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल, रीवा और शहडोल। तो जो 10वां संभाग हमारा बना था वो था शहडोल। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी किस वर्ष बनाया? 1947 को, 1953 को, 1956 को या 1972 को? तो भोपाल जो ज़िला बना था हमारा वो बना था 1972 को, लेकिन जो राजधानी बनाई थी मध्य प्रदेश की वो बनाई गई थी 1956 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी 1956 में ही बना दिया गया था। मध्य प्रदेश में भोपाल और राजनांदगांव को किस वर्ष बनाया गया था जिला? इसका जो आंसर होगा वो होगा 1972। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने राज्य और जिले थे? 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, 1 नवंबर 1956, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय जो हमारे जिले कितने थे और कितने हमारे संभाग थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है 8 संभाग और 43 जिले। वर्ष 2000 में विभाजन के पूर्व, जब छत्तीसगढ़ का वर्ष 2000 में हमारे मध्य प्रदेश से विभाजन हुआ तब उसमें कितने संभाग थे? 8 संभाग, 10 संभाग, 12 संभाग या 14 संभाग? तो उस समय मध्य प्रदेश में जो संभाग थे वो उनकी संख्या थी 12, जिसमें से 9 संभाग मध्य प्रदेश को मिले थे और प्लस 3 संभाग छत्तीसगढ़ को गए थे। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल संभाग उस समय थे 12। 25 मई 1998 को बीआर दवे समिति की अनुशंसा पे मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए थे? तो उस समय जो बीआर दवे समिति थी उन्होंने जो अनुशंसा की थी उस पे बनाए गए थे 10 जिले। 10 जिले की अनुशंसा उन्होंने की थी।
मध्य प्रदेश गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तब उस समय जो जिलों की संख्या थी वो थी 43 और संभागों की संख्या थी 8। 8 हमारे संभाग थे और जिले हमारे थे 43। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व कितने जिले थे? मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ था उस समय वर्तमान मध्य प्रदेश जो था पुनर्गठन के पहले विभाजन के पहले उसमें जो जिलों की संख्या थी वो थी हमारी 61। कितनी थी? 61। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 8 संभाग और 43 जिले हमारे 1956 में थे, उसके बाद 2 जिले हमारे बड़े थे 1972 में, तो 45 जिलों की संख्या हो गई थी। और उसके बाद 1998 में हमारे 16 जिले और बनाए थे जिससे टोटल जिलों की संख्या हमारी हो गई थी 61। तो वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ था उस समय वर्तमान मध्य प्रदेश में 61 जिले थे और 12 संभाग थे। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद कितने जिले शेष रह गए थे? छत्तीसगढ़ का गठन हो गया तो उसमें छत्तीसगढ़ को हमने दिए थे 16 जिले और 61 में से 16 गए, तो हमारे पास जो जिलों की संख्या बची थी वो बची थी 45। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 45। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बाद कितने संभाग शेष रह गए थे? 12 संभाग हमारे पास थे, -3 चले गए, तो हमारे पास जो संभाग बचे थे वो बचे थे 9 संभाग। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 9 संभाग। 12 संभाग में से 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए, 9 मध्य प्रदेश में शेष रह गए थे। जुलाई 1998 को MS सिंहदेव समिति ने जो अपने जिलों की अनुशंसा की थी वो कितने जिले बनाने की अनुशंसा की थी? तो इसका जो आंसर है वो है 6। 6 जिले बनाने की इन्होंने अनुशंसा की थी, जबकि दवे समिति द्वारा 10 जिलों को बनाने की अनुशंसा की गई थी। तो टोटल 6 और प्लस 10 बराबर हमारे जो जिले बने थे वो बने थे 16 जिले। तो 1998 में जो हमारे जिले बने थे वो टोटल बने थे 16 जिले, जिसमें से MS सिंहदेव समिति ने 6 जिले बनाने की अनुशंसा की थी। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को कितने जिलों के साथ अलग राज्य का दर्जा दिया था? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 12, 16, 18 या 22। तो जो इसका आंसर है बी 16 जिले। छत्तीसगढ़ को 16 जिले देकर अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में वर्ष 15 अगस्त 2003 को किन जिलों का गठन किया गया था? इसमें 2003 है, इसका मतलब है हमारे 3 जिले बनाए थे। देखो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसे अनूपपुर, अशोकनगर और बुरहानपुर, ये सभी जिले वर्ष 2003 में हमारे बने थे। कितनी संख्या है? 3। पीछे यहाँ दिया हुआ 3, तो हमारे कितने जिले बने थे 2003 में? 3 जिले। कौन कौन से बने थे? गुना से बना था हमारा अशोकनगर, शहडोल से बना था हमारा अनूपपुर और बुरहानपुर बना था हमारा खंडवा से। भोपाल को जिला कब बनाया? 26 नवंबर 1972 को हमारा भोपाल को जिला बनाया था। किससे? सीहोर की है तहसील था सीहोर से अलग करके। मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 को किन जिलों का गठन किया गया था? अलीराजपुर, सिंगरौली, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में जो गठन किया गया था 2008 को, तो देखिए हम यहाँ बनाते हैं 8, तो जिले जो थे वो थे हमारा अलीराजपुर और सिंगरौली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अलीराजपुर को बनाया था झाबुआ से अलग करके और सिंगरौली को बनाया था सीधी से अलग करके। भोपाल जिला बनने से पहले किस जिले की तहसील था? विदिशा, सीहोर, रायसेन या राजगढ़। तो भोपाल को जिला बनाने के पहले जो तहसील ये था सीहोर की तहसील। यह हमारा रेड कलर में है सीहोर और उसी से लगा हुआ है भोपाल। तो भोपाल जो था वो सीहोर की तहसील था 1972 तक, और 1972 को इसको अलग जिला घोषित किया गया था। वर्ष 2008 में सिंगरौली जिले का गठन किस जिले का विभाजन करके किया गया था? वर्ष 2008 में 2 जिले बनाए थे, एक बनाया था हमने अलीराजपुर और दूसरा बनाया था सिंगरौली। तो सिंगरौली को जो अलग किया था वो किया था सीधी जिले से। ये हमारा सीधी है और रेड कलर में हमारा सिंगरौली सीधी जिले से अलग करके, जबकि इधर झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर को बनाया था। तो ये 2 जिले हमारे बने थे जिसमें से सिंगरौली को अलग किया था सीधी से। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं?
निम्न संभागों में से मध्य प्रदेश में दो संभाग ऐसे हैं जिसमें 8-8 जिले हैं, उनमें से यहाँ पे दिया है हमारा सिर्फ इंदौर, इंदौर में भी 8 जिले हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंदौर। इसमें 8 जिले हमारे कौन कौन से हैं देखिए, हमारा झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, ये हमारे 8 जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में कितने ज़िले हैं, तो जबलपुर संभाग में जो ज़िले हैं वो उनकी संख्या है 8। जबलपुर संभाग में 8 ज़िले हैं। जबलपुर संभाग में ज़िले जो शामिल हैं उनमें से कौन सा ज़िला इनमें से शामिल है, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, डिंडोरी, शिवनी, कटनी, मंडला या उपरोक्त सभी। तो वर्तमान में जो हमारा जबलपुर संभाग है उसमें 8 ज़िले शामिल हैं। 8 ज़िलों में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, तो हमारा कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये 8 जो ज़िले हैं ये हमारे इसमें शामिल हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग में कितने ज़िले हैं, नर्मदापुरम संभाग में जो हमारे हैं वो 3 ज़िले हैं। नर्मदापुरम संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं तो वो देखते हैं, होशंगाबाद क्या उसमें शामिल है, बैतूल है और हरदा है या उपरोक्त सभी हैं। तो नर्मदापुरम जो हमारा संभाग है वो है ये वाला क्षेत्र, और इसमें जो हमारे ज़िले हैं वो हैं होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। वर्तमान में मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में कितने ज़िले शामिल है, रीवा जो संभाग है वो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र के उधर आता है, तो उत्तर प्रदेश से लगी उसकी काफ़ी सीमा है, तो उसमें जो ज़िले हैं वो कितने हैं, तो उसमें जो ज़िलों की संख्या है वो है 4। ये हमारे 4 ज़िले उसमें रीवा संभाग में शामिल है। तो 4 ज़िले वो कौन कौन से हैं, सीधी सतना, रीवा, सिंगरौली हैं क्या, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा रीवा है, ये हमारा सतना है, ये सीधी और सिंगरौली, ये 4 ज़िले जो हैं ये सभी इसमें शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। रीवा संभाग के अंतर्गत सीधी, सतना, रीवा और सिंगरौली, सीधी, सतना, रीवा, सिंगरौली, ये सभी इसमें शामिल हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में कितने ज़िले हैं, चंबल संभाग हमारा होता है उत्तरी मध्य प्रदेश में, तो उसमें जो ज़िले शामिल हैं वो हैं 3 ज़िले। ये हमारा उत्तरी मध्य प्रदेश है और इसमें जो संभाग है वो है चंबल संभाग, इसमें 3 ज़िले हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में शामिल ज़िले कौन से हैं, भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है या उपरोक्त सभी है। तो ये जो है हमारा ये श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये हमारा 3 ज़िले इसमें चंबल संभाग में शामिल हैं। ग्वालियर संभाग में वर्तमान में कितने ज़िले हैं, तो ग्वालियर संभाग चंबल संभाग के नीचे आता है और इसमें लगभग 5 ज़िले हमारे शामिल हैं। कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर या गुना या उपरोक्त सभी। तो ग्वालियर संभाग में जो शामिल ज़िले हैं उसमें ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, ये 5 ज़िले इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग में ज़िलों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4 या 5। तो भोपाल संभाग में जो ज़िले हैं उनकी संख्या है 5 ज़िले, ये 5 अलग अलग कलर हमें नज़र आ रहे हैं। इसके हिसाब से भोपाल संभाग में जो 5 ज़िले हैं, 5 ज़िलों में शामिल ज़िले कौन कौन से हो सकते हैं, विदिशा हो सकता है, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ या भोपाल हो सकते हैं क्या, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला ज़िला हमारा है राजगढ़, दूसरा विदिशा, तीसरा सीहोर, चौथा हमारा रायसेन और पांचवा है भोपाल स्वयं। तो भोपाल संभाग में वर्तमान में 5 ज़िले हैं, वो है राजगढ़, चलिए एक बार वापस देख लेते हैं, ये हमारा राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर और उसके बीच में है, बीचों बीच सभी ज़िलों के बीचों बीच में है भोपाल। वर्तमान में मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग में कितने ज़िले हैं, 5, 6, 7 या 8। तो इंदौर संभाग में हमने देखा था कि 8 ज़िले हैं और जबलपुर में भी 8 ज़िले हैं, तो वो 8 ज़िले कौन कौन से हैं,
हमारा झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन और खंडवा, ये 8 ज़िले इंदौर संभाग के अंतर्गत हमारे शामिल हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के संभाग इंदौर में जो ज़िले हैं उनमें बड़वानी, इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में शामिल ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं उज्जैन में? तो उज्जैन में है 7 ज़िले। ये हमारा उज्जैन संभाग है, इसमें जो ज़िलों की संख्या है वो है 7। उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, ये सभी ज़िले उज्जैन में शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं? नीमच हमारा इस जगह स्थित है, मंदसौर, उसके बाद हमारा रतलाम इस जगह आता है, आगर मालवा, उज्जैन, शाजापुर और आखिरी में आता है हमारा देवास। शहडोल संभाग जो हमारा 10वां संभाग है उसमें कितने ज़िले हैं मध्य प्रदेश के? तो इसमें 3 ज़िले इसमें शामिल हैं। ये हमारा शहडोल संभाग है। तो वर्तमान में शहडोल संभाग में शामिल ज़िलों में कौन सा है? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, यह हमारा शहडोल संभाग है जिसमें 3 ज़िले इसमें शामिल हैं। कौन कौन से? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सागर संभाग जो है उसमें कितने ज़िले हैं? 4, 5, 6 या 7? तो पहले अभी सागर संभाग में जो ज़िले थे उनकी संख्या थी 5, लेकिन वर्तमान में अब 6 हो गए। यह हमारा सागर संभाग है। तो सागर संभाग में शामिल ज़िले हैं सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। यह हमारा सागर है, ये दमोह, ये पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी को 1 अक्टूबर 2018 को नया ज़िला बनाया है। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर को 17 मई 2008 को 49वां ज़िला बनाया था। इसके बाद 24 मई 2008 को 50वां ज़िला किसे बनाया? तो हम देखते हैं कि आगर मालवा, निवाड़ी, सिंगरौली और उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा इसका आंसर है। तो आगर मालवा 2013 में हमारा नया ज़िला बना था, निवाड़ी बना 1 अक्टूबर 2018 को। तो सिंगरौली हमारा जो ज़िला था उसी के साथ एक बना था अलीराजपुर 2008 में। अलीराजपुर और सिंगरौली को बनाया था 2008 में, लेकिन हम 49 और 50 में कैसे इसे याद रखें? तो देखिए, ये हमारा है अलीराजपुर जो कि झाबुआ से अलग हुआ है, और ये जो हमारा है ये है सिंगरौली जो कि सीधी से अलग किया है। अब देखिए, 49 में से पहले हमारा आता है 49, उसके बाद गिनती में हमारा आता है 50। तो पहला हम अगर यूँ लिखते हैं गिनती इस टाइप से, तो इधर हम देखते हैं तो 49 पहले आता है और आता है 50 बाद में। तो 49वां जो हमारा ज़िला बना था वो हमारा बना था अलीराजपुर क्योंकि ये पहले है, और 50वां जो हमारा ज़िला बना था वो बना था सिंगरौली। तो इसलिए हम याद रखेंगे 50वां ज़िला हमारा बना था सिंगरौली और 49वां बना था अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग करके 51वां ज़िला किसे बनाया था? तो शाजापुर हमारा ये वाला जगह था, ये वाला क्षेत्र जो था वो शाजापुर था, जिसमें येलो और रेड में जो कलर दिखाई दे रहे हैं ये हमारा शाजापुर और आगर मालवा है। तो शाजापुर से अलग करके 16 अगस्त 2013 को अलग बनाया था हमने आगर मालवा को। मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके 52वां ज़िला किसे बनाया? आगर मालवा हमारा बना था 2013 में, निवाड़ी बना था 1 अक्टूबर 2018 को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निवाड़ी। यह हमारा टीकमगढ़ का क्षेत्र है जिससे अलग करके हमने ये रेड कलर में जो दिखाया गया है यह हमारा है निवाड़ी क्षेत्र। तो यह हमारा निवाड़ी ज़िला है जिसे 52वां ज़िला बनाया था 1 अक्टूबर 2018 को। बुरहानपुर को किस ज़िले से अलग करके नया ज़िला बनाया था? बुरहानपुर जो है वो हमारा इस क्षेत्र में पड़ता है। बुरहानपुर से जो लगा हुआ क्षेत्र है वो है हमारा महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र से लगने के पहले जब बुरहानपुर को अलग किया था उससे पहले ये था खंडवा का भाग। तो खंडवा ज़िले से इसे अलग करके नया ज़िला बनाया था। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने संभाग और ज़िले हैं? तो वर्तमान जो मध्य प्रदेश का स्वरूप है उसमें हमारे पास 10 संभाग और 52 ज़िले हैं। संभाग जो हैं हमारे पास इंदौर, उज्जैन, चंबल, ग्वालियर, भोपाल, नर्मदापुरम,
जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग हैं, और इसके बाद इसमें जो जिलों की संख्या है वो है 52। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।